बालाघाट जिले में घटनाओं के आधार पर एक बार फिर नक्सलियों की धमक दिखाई दे रही है। चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों से मुठभेड़ और नक्सली सक्रियता का दावा पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है। लगातार नक्सलियों के मंसूबे किसी अनहोनी घटना के खौफ के रूप में बना हुआ है। एक बार फिर रूपझर थाना अंतर्गत कोला पटपरी निवासी ग्रामीण को नक्सली ने गोली मार दी है। नक्सलियों की गोली से घायल नानू बैगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने दावा किया है कि एक दर्जन से अधिक नक्सली इलाके में मौजूद थे। जिला अस्पताल में उपचार करा रहे घायल नानू बैगा की माने तो चुनाव से एक दिन पूर्व वह जंगल गया हुआ था, जहां उसे वर्दी में नक्सली दिखाई दिए थे, जिसे नक्सली ने बुलाया पर वह भाग कर घर आ गया था, जिसके बाद शुक्रवार को उसे नक्सलियों ने गोली मार दी। नक्सलियों द्वारा मारी गई गोली कमर के निचले हिस्से में अभी भी फंसी हुई है, जहां चिकित्सकों के द्वारा नानू बैगा का बेहतर उपचार और फंसी हुई गोली को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गिरे तो चिल्लाए, कौन आया लेने? गांव वाले। किन्ने मारा गोली? है? गोली किसने मारा है? जंगल वाले। जंगल वाले कौन? नक्सलाइट होने? हाँ जी। कितने लोग थे? 12 थे। हाँ? 12 थे? हाँ। ड्रेस में थे कि ऐसी सादी ड्रेस में थे? ड्रेस में थे। ड्रेस में थे? और लेडीज लोग भी थी क्या उसमें? महिला भी थी? हाँ जी। थी? देख के उनको भक्त भक्त में। हाँ। कभी तो देखे नहीं उनको। अच्छा, भागे? हाँ जी, भागते। अच्छा, तो गोली मार दी है? हाँ जी। कितनी महिलाएं थी? कितनी लेडीज थी? दो। क्या बोल रहे थे तुमको? कुछ नहीं, चिल्लाते। हाँ। पर उनको देख के डर गया मैं। हाँ। भागते। कहाँ मारे गोली? कमर में। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की चुनौती के बाद नक्सलियों की मौजूदगी एक बार फिर नई चुनौती बनकर पुलिस प्रशासन के लिए खड़ी है। बहरहाल नानू बैगा का मामला सामने आने पर उसके उपचार और नक्सलियों से निपटने के लिए सर्चिंग तेज करने की बात पुलिस कप्तान के द्वारा की जा रही है। नानू मरकाम, उम्र 45, पोला पटपरी के रहने वाला है। ये आज शाम को आके बालाघाट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, उसको गोली लगी है पीछे। सो उसका कहना है 28 तारीख को उन्होंने अपने पोला पटपरी गांव के बगल में जो जंगल है उसमें नक्सलियों को देखा है। करीबन 17 नक्सली थे, उसमें 2 महिला नक्सली भी थे। सो उनको देख के वहाँ से भाग के आ गया है। सो उसके बाद कल शाम को उसको क्यूरियोसिटी लगा, फिर एक बार जाके उस जगह पे देखने के लिए गया था। सो उसी जगह पे नक्सली मिले थे और नक्सली इसको रोकने के लिए बोला, ये रोका नहीं, भाग के घर तरफ भाग रहा था। सो उस समय नक्सलियों ने इसको पीछे से गोली मार दी है। सर अभी क्या स्थिति है उसकी? गोली अभी लगी हुई है कि निकल गई है? कुछ कौन सी गोली? अभी हमने एक्सरे करवाए थे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सरे करवाए थे, उसमें एक मेटल की निशान आई है। सो अभी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको सर्जरी करके निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, अभी वर्तमान में क्या स्थिति सर वहाँ पे? मतलब क्या फोर्स भेजा जाएगा वेरीफाई करने, या क्या आगे की क्या प्लानिंग रहेगी सर? जहाँ इसने घटना के स्थल बताए थे उस एरिया को हम घेराव कर रहे हैं, घेराव करके फोर्स से एक ऑपरेशन चला रहे हैं।